यूपी में होने वाले 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर आईपीएन न्यूज का जमीनी सर्वे। जनता का एक ही रुझान, अब की बार साइकिल की सरकार। जी हां, इंडियन प्राइम न्यूज पर देखिए विधानसभा चुनाव में जमीनी सर्वे जंग बहादुर सिंह के साथ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर आज हम आ चुके जिला जालौन क्षेत्र के एरिया में, जहां पर बात करते हैं कि अब की बार सरकार बनेगी किसकी। योगी बनाम अखिलेश, साइकिल चलेगी अपनी रफ्तार से या भगवा लहराएगा, इसको लेकर हम ग्राम पंचायत एको में आ चुके हैं। यहाँ पर देख सकते हैं गांव के सैकड़ों लोग मौजूद होने के साथ साथ बात करेंगे अब की बार यूपी की सरकार में भगवाधारी आएंगे या साइकिल की रफ्तार अपनी दिखाएगी, इसको लेकर हमारे पहले बात करते हैं यहाँ के ग्राम प्रधान हमारे जो खड़े हैं कैमरे में, गाड़ी बैठे हैं, गाड़ी हीरो होंडा, इनसे बात करते हैं अब की बार यूपी के चुनाव में किसकी सरकार बनाएंगे और क्या पूरा मामला है। तो बात करते हैं यहाँ प्रधान प्रधान जी, आपका नाम बताइए कैमरे में। इंद्रपाल सिंह यादव। ये कौन सा गांव है ये? अब की बार यूपी में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं किसकी सरकार बना रहे हैं? साइकिल की। तो साइकिल से क्या क्या लाभ मिले अभी तक अखिलेश भैया, कुछ उपलब्धियां गिनवा दो। सभी लाभ मिले करेंगे, जैसे कि अब बाबा ने कहा दिया तुम, बाबा ने तो बहुत आ रहा, आवाज दिया, शौचालय दिया, देख सकते हैं कि अब की बार साइकिल की रफ्तार एको गांव में नजर आ रही है और हमारे जिला जालौन थाना कुथौन क्षेत्र में, और देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पर है, कहते हैं सर्दी का मौसम, सर्दी के बीच आज आईपीएन न्यूज टीम लगातार चुनावी सर्वे करने को लगी हुई है और इस मुद्दे को लेकर बात करेंगे। अब 2022 विधानसभा चुनाव में बनेगी किसकी सरकार? योगी बनाम अखिलेश। अखिलेश का चेहरा तो सब जानते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश और अब योगी जी, आदित्य योगी नाथ जी इस समय वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अब की बार 2022 विधानसभा चुनाव में किसका तिलक सजेगा, इसको लेकर बात करते हैं। ये हमारे भैया हैं साइकिलधारी, इनसे बात कर सरकार इस मुद्दे को लेकर करेंगे चर्चा, लेकिन चर्चा होने के बाद पिएंगे गरम गरम चाय का प्याला, लेकिन चाय बाद में पहले खबर। भैया अपना नाम बताइए। भैया आप ये कहो कि 2022 विधानसभा चुनाव बहुत जल्दी है, किसकी सरकार बना रहे हैं? ओनली अखिलेश यादव। ऐसा क्यों? इसलिए योगी सरकार ने ओनली नाम के अलावा कुछ नहीं, ओनली नाम चेंज किए हैं, प्रदेशों में नाम झांसी के नाम झांसी चेंज, सब नाम चेंज। और अखिलेश यादव जो काम किया है उनका कामों का रिवार्ड ओनली किया है, उन्हें कुछ नहीं किया है, सिर्फ नाम के अलावा बाबा ने कुछ नहीं किया है। आज देखा जाए आदमी रात में सो नहीं पा रहा है, रात दिन हारों में डला है, गाय अन्ना फिर रही है, कौन जिम्मेदारी? कोई गौशाला नहीं है हमारे गाँव में, हमारे गांव को परेशान, बहुत आदमी परेशान है। मैं चीजिए अच्छा, तो योगी जी अगर उपलब्धियों की बात की जाए तो योगी सरकार ने गरीबों के लिए बड़े अहम फैसले लिए, राम मंदिर बनवा दिया। तो राम मंदिर में क्या हम सब आदमी रोजगार धर्म की आस्था को लेकर अगर बात की जाए तो भगवाधारी हिंदुत्व को बचाने के लिए हमारे गाँव में कदम बढ़ा रहे हैं। हमारे गाँव में बहुत अच्छी मंदिर है, हम लोग खुद भगवान की अवतारी है। क्या राम मंदिर कोई खास नहीं था क्या? नहीं, मंदिर खास है, मंदिर खास नहीं है, केवल मंदिर से बेरोजगारी तो फैल रही है। बेरोजगारी की मुद्दा, नोटबंदी से क्या फायदा हुआ बताइए? नोटबंदी का फायदा हुआ, नोटबंदी से क्या फायदा आपको लग रहा है? लेकिन अब की जो सरकार आप बना रहे हैं, जैसे कि बहुत से लोगों, हमने कई गांव सर्वे किए जहां पर कुछ लोगों ने कहा कि अखिलेश सरकार थी, गुंडा सरकार थी, बड़ी परेशानी, बीजेपी में समय गुंडा सरकार, यहाँ पे तो ओनली अबे देखा जाए बीजेपी केस चल रहे हैं योगी आदित्यनाथ पे, अबे हमने ग्रोथ कर दिया गोरखपुर में, मनीष गुप्ता ने कर दिया गया, पुलिस आई अंकट कर दिया, तो हमारे यहाँ पुष्पेंद्र यादव झांसी में अंकट कर दिया गया, पुष्पेंद्र यादव निर्दोष मार दिया गया। अच्छा, गांव की कितनी जनसंख्या होगी हमारे यहाँ? 2200। अच्छा, सबसे ज्यादा समुदाय कौन सा यादव? तो सभी लोगों ने आपने मत बना लिया, आपकी साइकिल लानी है, साइकिल लाना, साइकिल आएगी, देख सकते हैं भैया ये एक गांव में साइकिल की रफ्तार चरम सीमा पर है। और अखिलेश भैया करो तैयारी, आ रही है सब लोग साइकिल धारी, देख सकते हैं इस मुद्दे को लेकर। इस मुद्दे लेकर एक भैया हमारे और बीच में, उनसे पूछा उनका राय कि वो इस तरीके से वस्त्र पहने हुए हैं, उनसे बात करते हैं कि ये किसको वोट दे रहे हैं। तो भैया आप बताइए, आप साइकिल साइकिल को देंगे? अरे भैया योगी जी को क्यों नहीं दे रहे हैं? किसी को दे दे, हमारे गिनती साइकिल होगी, साइकिल होगी। देख सकते हैं ये यादवों का गढ़ है, एक गाँव है जिला जालौन थाना कुठौन क्षेत्र में, जहाँ पर 2022 विधानसभा चुनाव को सर्वे करने में जब बात की गई तो पता चल रहा है कि यहाँ पर सिर्फ साइकिल ही साइकिल नजर आ रही है। अब की बार योगी सरकार बहुत कुछ सोचे समझे और मंदिर जाने के लिए घंटा बजाने की तैयारी कर ले। तो आप देखिए इंडियन प्राइम न्यूज़ खास रिपोर्ट जंग बहादुर सिंह के साथ।